श्री राम। श्री मोदी जी को जय श्री राम। देखो देखो कौन आया, मोदी जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए यहाँ के हमारे जिले के अध्यक्ष भाई पवन पाटीदार जी से आग्रह करता हूँ कि वो आए और हम सबके, देश नहीं अपितु दुनिया के सबसे लोकप्रिय हम सबके नेता आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करें अंग वस्त्र पहनाकर। मैं आग्रह करता हूँ माननीय सत्यनारायण जटिया जी से, हमारे संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। आप लोग अभिनंदन पर तालियां लगातार रख सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी से कि भादवा माता जी का चित्र देकर के आप माननीय मोदी जी का स्वागत करें। आप लोग अभिनंदन में ताली बजा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूँ, देखिए हम सबके लिए ये अद्भुत क्षण है, ये अविस्मरणीय है। माननीय मोदी जी हमारे मध्य उपस्थित है और हम सब उनको सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं हमारे लोकप्रिय सांसद जी से आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर आए और अपना स्वागत उद्बोधन दें। माननीय सुधीर जी, अभिभूत हैं हम, आनंदित हैं, उमंग और उल्लास में हैं, क्योंकि 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान श्री राम पधारेंगे, उसके पूर्व की ये दीपावली पर हमारे क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। ये आनंद और उल्लास का अवसर है। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, मोदी जी के स्वागत सम्मान में और मंच पर उपस्थित हमारे सभी प्रत्याशी भाइयों और सत्यनारायण जटिया जी के सम्मान में, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हमने मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने चलना सीखा है। बंधुओं, आशीर्वाद है माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस संसदीय क्षेत्र पर। मैं स्मरण कराना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जब गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री थे तब 2013 में आप मंदसौर जिले में पधारे थे, तब आपने कहा था कि मंदसौर नीमच जिले के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अहमदाबाद आते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, हम अभिभूत होते हैं कि आपने अपने इस संसदीय क्षेत्र में नीमच, मंदसौर और रतलाम को 3-3 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, देश में अभूतपूर्व सौगात दिए, साथ में नर्सिंग कॉलेज दिए हैं। हम अभिभूत हैं माननीय मोदी जी। दुनिया का सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आज मेरे संसदीय क्षेत्र से 130 किलोमीटर होकर जाता है। हम अभिभूत हैं माननीय मोदी जी, आपने इस संसदीय क्षेत्र को मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल दिया है। हम अभिभूत हैं सीआरपीएफ की इस जन्म स्थली पर आपने 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का नया निर्माण कराया है। हमारे पास शब्द नहीं है माननीय मोदी जी, आपने इस अभूतपूर्व विकास के में मंदसौर संसदीय क्षेत्र को रेलवे में लगभग 1500 करोड़ से अधिक की लागत से नव निर्माण का हमारा सपना पूरा किया है। माननीय मोदी जी, हम सब अभिभूत हैं क्योंकि आपने बुद्धिस्ट सर्किट और स्वदेश सर्किट योजना से जोड़कर पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। हमारे पास शब्द नहीं है, 12 हवाई जहाज आपने नीमच में और मंदसौर में बच्चों के ट्रेनिंग के लिए एक नए नवाचार के साथ इस संसदीय क्षेत्र के बच्चों को पायलट बनाने के अभिनव अभियान को आगे बढ़ाया है। हम अभिभूत हैं मोदी साहब, खेलो इंडिया से लेकर सौर ऊर्जा तक आपने प्रारंभ किया था सौर ऊर्जा, आज ये देश का सबसे बड़ा हब बना है। हम अभिभूत हैं मोदी साहब, यहाँ अफीम किसान हैं, 13,000 पट्टे 2013-14 में बचे थे, आज 1,25,000 अफीम लाइसेंस से धारित ये किसान हैं। हम सब प्रसन्न हैं आपके मार्गदर्शन में। आप विश्व मान्य नेता हैं, आप राष्ट्र के सेवक हैं और ये पूरा संसदीय क्षेत्र आपकी आवाज पर खड़ा है।
आठों की आठों सीटें इस संसदीय क्षेत्र की, माननीय मोदी साहब आपके साथ आपके मार्गदर्शन में आगे चलने के लिए लालायित है। मैं प्रसन्न हूँ आज भादवा माता की इस पावन धरा पर, पशुपतिनाथ के इस पावन क्षेत्र पर आपका दीपावली के पूर्व आगमन हुआ है। हृदय की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय मोदी जी। दुनिया के सबसे सर्वमान्य नेता, हम सब के लोकप्रिय, हम सब के प्रधानमंत्री, आप सब की तरफ से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनको आग्रह करें कि वहां और हमको, हम सबको संबोधित करें माननीय मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सांवरिया सेठ की, सांवरिया सेठ की, बाबा पशुपतिनाथ की, बाबा पशुपतिनाथ की, भादवा माता की, भादवा माता की। मालवा निमाड़ के अलग अलग क्षेत्रों से यहां आए आप सभी मेरे परिवारजन, दीपावली के पावन अवसर आरंभ भी हो चुका है, मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, आपका ये आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। ये अभूतपूर्व दृश्य है और जो एनर्जी है, हेलीकॉप्टर तक सुनाई देता था। आप लोग थकते नहीं हो? ये आशीर्वाद एमपी में सुशासन की निरंतरता को है, ये आशीर्वाद एमपी के विकास को है, एमपी की समृद्धि को है, ये आशीर्वाद भाजपा के ट्रैक रिकॉर्ड को है, ये आशीर्वाद मोदी की गारंटी के लिए है। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। लेकिन मैं आज देख रहा हूं मोदी की गारंटी से भी ज्यादा मजबूत गारंटी मध्य प्रदेश के नागरिकों की है। उन्होंने गारंटी दी है सरकार बनाने की। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने लाखों परिवारों का जीवन बदला है, इसलिए गांव हो शहर हो, मध्य प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां का हर नागरिक, माता हो, बहने, भाई, नौजवान, हाँ पूरा एमपी कह रहा है, पूरा एमपी एक स्वर से कह रहा है, एमपी के मन में, एमपी के मन में
एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में, मेरे परिवारजनों, नीमच का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान है। यहां आंदोलनकारियों के लिए सैन्य मुख्यालय बनाया गया था। ये धरती सीआरपीएफ की जन्मस्थली के रूप में भी जानी जाती है और नीमच के फुटबॉल प्रेम की किस्से तो पूरे देश जानता है। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र रक्षा और एकजुटता के संस्कार यहां की मिट्टी के कण कण में है। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की इस मिट्टी को धोखा देने का काम कर रही है। सत्ता के लालच में कांग्रेस ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है। फूट डालो और राज करो की नीति पर चली है। कांग्रेस की कुनीति से देश में आतंक और अराजकता से ऐसा कालखंड गया, अराजकता को इतना बढ़ावा मिला, आजादी के समय राष्ट्र निर्माण का जो जज्बा था वो कांग्रेस ने एक परिवार की भक्ति में कुचल करके रख दिया। कांग्रेस की सरकार चाहे केंद्र में रही हो या फिर राज्य में, उसने हमेशा भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की इसी मानसिकता के कारण एक के बाद एक कई राज्यों से कांग्रेस साफ होती चली गई, नामों निशान मिट रहा है। एमपी में भी दो दशक हुए हैं, ये कांग्रेस बहुमत के लिए तरस रही है। कांग्रेस के पास विजन के नाम पर सिर्फ विरोध और विभाजन है, और जहां विभाजन होता है वहां विजन संभव ही नहीं होता है। जबकि भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रही है, भाजपा राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर काम कर रही है, जिन क्षेत्रों में जिन वर्गों को कांग्रेस ने पूछा तक नहीं उनको पहली बार भाजपा ने ही राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी दी है। भारत की इसी सामूहिक शक्ति के कारण भारत और भारतीयों का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ भारत भारत जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंग्लैंड में भी भारत भारत होता है कि नहीं होता है? आपने देखा होगा कल इंग्लैंड में दिवाली मनाई जा रही थी, दिए जलाए जा रहे थे।
दुनिया में हर जगह पर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है, आपको गर्व हो रहा है, आपका माथा ऊंचा रहा है। ये दुनिया में भारत का नाम क्यों ऊंचा हो रहा है, क्या कारण है, क्या कारण है? आपका जवाब सही नहीं है, ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है जिसने मजबूत सरकार बनाई और उसके कारण हुआ है। ये आप लोग हैं जिन्होंने देश हित में कड़े और बड़े फैसले लेने वाली भाजपा की मजबूत सरकार बनाई है, और यही बात कांग्रेस को पिछले 10 साल से पच नहीं रही है। जिस मोदी को ये दिन रात गाली देते हैं, वो ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है, यही बात कांग्रेस को खल रही है। इसलिए कांग्रेस देश में अस्थिरता फैलाना चाहती है, अराजकता फैलाना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने न जाने किस किस से गुप्त समझौते किए हुए हैं। विदेश के जो लोग खुलेआम भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, कांग्रेस अब उनके साथ खड़ी नजर आती है। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को कांग्रेस से बहुत सतर्क रहना है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस देश के लिए सिर्फ समस्या पैदा करना जानती है, उसके पास कोई समाधान नहीं है। महात्मा गांधी कहते थे कि ईमानदारी से शासन चलाना चाहिए, देश में राम राज्य लाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने एक तरफ भ्रष्टाचार का किला खड़ा किया और दूसरी तरफ भगवान राम को भी काल्पनिक बता दिया। हमारे बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि गरीब से गरीब को, हर वंचित को सम्मान का जीवन मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने इसका भी उल्टा ही किया। आजादी के इतने दशक तक गरीब, दलित, ओबीसी, आदिवासी छोटी छोटी जरूरतों के लिए सरकारों पर आश्रित रहा, मोहताज रहा। मैं आपको पीएम आवास योजना, शहरी ग्रामीण की बात नहीं कर रहा हूं, शहरी पीएम आवास योजना का एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली में जब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, तब मध्य प्रदेश के शहरी गरीबों के लिए सिर्फ, ये आंकड़ा याद रखोगे, जरा जवाब दीजिए ना, आंकड़ा याद रखोगे, कांग्रेस ने 10 साल में शहर के गरीबों के लिए 6000 घर स्वीकृत किए। कितने, याद रखिएगा आंकड़ा, कांग्रेस के 10 साल में एमपी के शहरों के लिए सिर्फ 6000 घर स्वीकृत हुए। कितने, आपने भाजपा की डबल इंजन सरकार बनाई, अभी हमारे 10 साल पूरे नहीं हुए हैं, हमने एमपी के शहरों के लिए कितने घर स्वीकृत किया बताऊं आंकड़ा? उन्होंने कितने किए थे,
मोदी ने किए हैं करीब करीब 10 लाख, यानी कांग्रेस के 6000 घर और भाजपा की तरफ से 10 लाख घर, कहीं है कोई मुकाबला? कोई मुझे बताए कोई है मुकाबला? और सुनिए, इन 10 सालों में एमपी के शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों को हम 7 लाख से अधिक घर बनाकर दे भी चुके हैं। और बीच में कोरोना की तकलीफ थी, काम ठप था, तो भी 7 लाख पूरे किए। अगर वो मुसीबत ना आती तो शायद 10 लाख भी पार कर जाते। और मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, मैं सिर्फ शहरों के आंकड़े आपको बता रहा हूं, आज मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूं। हमने गांवों में भी लाखों घर अलग से बनाए हैं। ये तब है जब 1.5 साल तक यहां हर काम में रोड़े अटकाने वाली कांग्रेस सरकार थी, यानी मेरा यहां तो 2 साल कोरोना के कारण और 1.5 साल क्या नाम बोलते हैं आप लोग उनको, क्या बोलते हैं, बोलो, उनके कारण। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की वजह से सालों साल से एक और समस्या हमारे देश में विकराल हुई है। ये समस्या थी गरीब के हक में लूट कैसे करना। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं तो 15 पैसा लाभार्थी तक पहुंचता है, मतलब 85 पैसा। अब आप मुझे बताइए, पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था, उनकी ही सरकारें थी, और वो कहते हैं कि 100 पैसे भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है, ये 85 पैसे कौन सा पंजाब मार लेता था? वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? कांग्रेस ने जो समस्या पैदा की, उन्होंने तो कहकर के छूट गए कि 85 पैसे चोरी होता है भी होता है। उन्होंने समस्या पैदा की, उसका समाधान भी भाजपा ने ही किया। यानी कांग्रेस मतलब समस्या, भाजपा यानी सीधा समाधान। हमने मोबाइल, आधार और बैंक खातों की एक ऐसी त्रिविध शक्ति बनाई, इस त्रिविध शक्ति के बाद हमने गरीबों के बैंक खातों में सीधे उनके पैसा, हक का पैसा भेजना शुरू किया। आज पीएम किसान सम्मान निधि के 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे गए हैं। आज एमएसपी पर सरकार खरीदी के पैसे भी किसानों के बैंक खातों में सीधे जा रहे हैं। आज पीएम आवास के घर बनाने के पैसे भी लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जा रहे हैं। कोरोना के संकट के समय हमने महिलाओं के बैंक खातों में 1,000,000,000,000 रुपए सीधे भेज दिए। कहीं कोई लीकेज नहीं, कांग्रेस का कोई बिचौलिया नहीं। साथियों, सरकार चलाने का कांग्रेस का एक और तरीका है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देश को टेक्नोलॉजी में जानबूझकर पीछे रखकर कांग्रेस इससे भी पैसा कमा लेती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आएगी तो नई व्यवस्थाएं बनाएगी, और ये कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पुरानी व्यवस्थाओं में कांग्रेस
अपनी कमाई के साधन खोज लेती थी। जब कांग्रेस सरकार थी तब देश 2G घोटाले में ही उलझे हुए थे, याद है ना? 2G घोटाला भूल गए? 2G घोटाला याद है? भाजपा के 10 साल के सेवा काल में आज देश 5G की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मेरे परिवारजनों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट तो दुनिया में बहुत पहले आ चुके थे, लेकिन भारत में देर से पहुंचे। ऑनलाइन बैंकिंग की, ATM की, क्रेडिट डेबिट कार्ड की टेक्नोलॉजी तो पहले भी थी, लेकिन भारत में समय पर नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस की नीयत समाधान की नहीं थी। सिर्फ 6-7 साल के भीतर ही भारत के भीम UPI ने बैंकिंग सिस्टम को बदल करके रख दिया। आज पूरी दुनिया में भारत की डिजिटल क्रांति की चर्चा होती है। साथियों, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, जो फुटपाथ पर छोटा मोटा कारोबार करते हैं, जो आपके घर पर आकर के सब्जी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, क्या कभी ये रेहड़ी पटरी ठेले वाला यही सोचता रहा कि वो जीवन पर यही काम करेगा, जिंदगी ऐसे ही गुजारेगा, उनके बच्चे भी यही करेंगे? ये मोदी ने तय किया है, जी नहीं, मैं इसे भी बदल के रहूंगा। वो सोचता है कि एक दिन उसकी भी बड़ी दुकान होगी, उसका भी कारोबार बढ़ेगा, लेकिन दुकान तो तब होगी जब उसे बैंकों से मदद मिलेगी। पहली बार इन रेहड़ी ठेले पटरी वाले साथियों को किसी सरकार ने बैंकिंग से जोड़ा। कांग्रेस के राज में तो जिसके पास पैसा था बैंक उसी के लिए थे। भाजपा सरकार ने PM स्वनिधि योजना लाकर रेहड़ी पटरी वालों को नया जीवन दिया है। देश के 50 लाख से ज्यादा गरीब साथियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंक से मदद मिली है। यहां MP में भी 7 लाख से अधिक रेहड़ी फुटपाथ वालों को 1400 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। जब गरीब की चिंता होती है, जब गरीब की सेवा का जज्बा होता है, तो ऐसे उत्तम से उत्तम काम होते रहते हैं। मेरे परिवारजनों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार बहनों बेटियों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। कांग्रेस ने तो सिर्फ गिने चुने परिवारों के बेटे बेटियों को ही सशक्त किया, भाजपा हर परिवार की बेटियों को सुविधा, सुरक्षा और सशक्तिकरण से जोड़ रही है। कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण को लटकाती रही, और कांग्रेस के लिए लटकाना, भटकाना, अटकाना उनके चरित्र का हिस्सा है। मोदी ने बहनों बेटियों को दी गारंटी, वो भी पूरी कर दी। मोदी ने खदानों से लेकर सेना के अग्रिम मोर्चे तक हर दरवाजे बेटियों के लिए खोल दिए हैं। आज बेटियां सेना में भर्ती हो रही है, उनके लिए सेनाओं में अफसर बनने के नए रास्ते खुले हैं। CRPF सहित हमारे सभी केंद्रीय बलों में बेटियों की संख्या तो बीते 10 वर्षों में 2 गुनी से अधिक हो चुकी है। पुलिस भर्ती में भी बेटियों की संख्या कहीं अधिक हो चुकी है। साथियों, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए अद्भुत काम किया है। पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना से बहनों बेटियों को बहुत मदद मिल रही है। मेरे परिवारजनों, बीते 2 दशक में भाजपा सरकार ने MP को
देश के अग्रणी कृषि राज्यों में स्थापित किया है। अब भाजपा एमपी को देश के बड़े औद्योगिक राज्य में लाने के लिए कमर कस के निकला पड़ा है। इसलिए मालवा निमाड़ में इतने बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, एमपी में औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, यहां नीमच में भी 500 से अधिक उद्योग स्थापित किए गए हैं जिनमें करोड़ों रुपयों का निवेश हुआ है। मैं युवा साथियों को कहूंगा, आने वाला समय आपका है, हमें मिलकर एमपी को टॉप इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि मालवा निमाड़ इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, हर सीट हर बूथ पर कमल का फूल पूरी ताकत से खिलना चाहिए। खिलेगा ना? आप घर घर जाओगे? ऐसा तो नहीं ना, अब इतनी बड़ी सभा हो गई, अब तो चुनाव जीत गए, चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे ना? पूरी मेहनत करोगे, घर घर जाओगे, हर पोलिंग बूथ में अड्डा लगा करके बैठोगे, वोट पक्के करोगे, पोलिंग बूथ जीतने का संकल्प करके जाओगे, एक भी पोलिंग बूथ नहीं हारोगे। हमें हर पोलिंग बूथ को जीतना है, हर पोलिंग बूथ में कमल खिलाना है। करोगे पक्का? अच्छा, मेरा एक काम करोगे? मेरा एक काम करोगे? क्यों आवाज आवाज दब गई भाई? ऐसे थोड़ा चलता है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है, ये मेरा निजी काम है, करोगे? मेरे स्वार्थ का काम है, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, काम करना, घर घर जाना और हर परिवार में जाकर के हाथ जोड़कर कहना सभी बड़ों को कि मोदी जी नीमच आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, इतना मेरा संदेश पहुंचा दोगे? आप जैसे ही उनको मेरा प्रणाम पहुंचाओगे ना, वो मन से मुझे आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी औषध होते हैं, वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा होते हैं, वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी शक्ति होते हैं, वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होते हैं, वो आशीर्वाद मुझे दिन रात आपके लिए काम करने की ताकत देते हैं। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे खातिर, मेरे निजी स्वार्थ के खातिर हर घर जाकर कहना मोदी जी नीमच आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। जरूर कहेंगे ना? जरूर कहेंगे? जरा आपके मोबाइल फोन की लाइट करके मुझे बताइए कि आप ये काम करेंगे। हर कोई अपने मोबाइल फोन का फ्लैश चालू करे, हर कोई मोबाइल फोन का फ्लैश चालू करे, हर एक के मोबाइल का फोन फ्लैश चलना चाहिए। मेरे साथ बोलिए, घर घर जाएंगे, कमल खिलाएंगे, मोदी का प्रणाम पहुंचाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, फिर से भाजपा सरकार बनाएंगे, मोदी को मजबूत करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।